लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सही वाह सतीश वाह, मान गए तुम। तुम्हारी एक ही चाल ने उस इंस्पेक्टर सूरज को चारों फाड़े चित कर दिया है। उसने डैडी से कहा है कि वो ट्रक के चोर की फाइल बनाएगा। वो फाइल बनने से पहले मैं उस हरामजादे की वर्दी उतरवा दूंगा। हाय डैड। हेलो बेटी, आओ इनसे मिलो। ये मिस्टर सतीश शाहजी साहब के साथ और मेरे नए पार्टनर। हेलो। और ये है मेरी बेटी आरती। उतारे जाने के काबिल है जी? आरती, आई मीन आरती, आरती उतारे जाने के काबिल है? थैंक यू। अरे बेटी, तुम्हारे उस शो का क्या हुआ जिसके लिए तुमने डोनेशन दिया था? उसी की तैयारी में लगी हूँ डैड। ओके, मैं चलती हूँ। ओके बेटी, बाय बाय, टेक केयर। गलती कर ली आपसे पार्टनरशिप मांगकर। क्यों, कुछ और मांगना चाहते हो? जी हाँ, अगर आपकी बेटी का हाथ मांग लूं तो। अच्छी लगी हमें तुम्हारी फ्रैंकनेस। अच्छी लगी यानी कि आप? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारे डैडी? अजय, उनका बस चलता तो पैदा होते ही मेरी शादी करवा देते। फिर आरती जैसी लड़की, उसे पाने वाला दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। वाओ। तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मैंने कहा आपसे वक्त मैं सुनने नहीं, कहने आई हूं, और जो कुछ मुझे कहना है तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखिए मैडम, ये एक शरीफ आदमी का घर है और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे साथ यहाँ कोई अकेला देखे और इस घर की बदनामी हो। कितने कठोर हो गए हो तुम अजय। फिर वही राग, मैंने कहा ना मैं विजय हूँ। तुम विजय नहीं हो, तुम अजय हो, मेरे अजय। मैं अजय नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुदारी तुम्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है। उसका एक हाल है, रिदम डांसिंग स्कूल वाले एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जीतने वाले को 3 लाख रुपए इनाम मिलेगा। ये नाम तुम जीत सकते हो, ये पैसा तुम्हें फिर विजय से अजय बना देगा। पैसा पैसा पैसा, कभी प्यार का नाटक, कभी पैसे की लालच। देखिए जिस आदमी की आपको तलाश है वो कमीना खुद का पैसे का लालची होगा, लेकिन मुझे मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। अजय, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरी माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है और एक बच्चा है, और मैं अपनी फैमिली को अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे अपनी पत्नी अपने बच्चे से मिलाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि एक दिन मैं तुम्हारी जुबान से सच जरूर बुलवाऊंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो जो सच है। तुम कब आई? जब तुम्हारा झूठ उस मासूम लड़की के दिल पर नश्तर चला रहा था। लक्ष्मी, कहाँ है तुम्हारी पत्नी, कहाँ है तुम्हारा बच्चा, बोलो। ये सब तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा झूठ शायद समझ में ना आए, लेकिन उस लड़की का सच्चा प्यार, उसकी तड़प समझ सकती हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ भैया, और इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की इतनी बेशरम नहीं होगी कि सच्चे प्यार के बिना किसी के पीछे इस तरह भागे जिस तरह वो तुम्हारे पीछे भाग रही है। खाओ मेरी सौगंध की तुम उसे नहीं जानते, खाओ मेरी सौगंध। अपनी सौगंध ना दे, मैं तेरी झूठी कसम खा भी नहीं सकता, और आरती जब तक किसी और के साथ शादी करके अपना घर ना बसा ले कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन तेरी कसम लक्ष्मी, तेरा भाई जो कुछ भी कर रहा है आरती के भले के लिए कर रहा है। बेटा लो, बेटा प्रसाद लो, मुंह मीठा करो। कोई खास बात है माँ? हाँ, लक्ष्मी की शादी पक्की हो रही है, बचपन से रिश्ता तय है। लक्ष्मी को भी लड़का बहुत पसंद है, लड़के वालों ने तारीख पक्की करने के लिए बुलाया है। मैं दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ। गीता के बाद अगर किसी चीज में विश्वास है तो वो है 20 सूत्री कार्यक्रम। परंतु आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। दहेज को तो मैं रिश्तों का अपमान समझता हूँ फकीर चंद। परंतु मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेनी थी। अभी तो मैं केवल अपने पहले परंतु पे पहुंचा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि दुल्हन जब आए तो उसे देखते ही लगे कि वो आपके घर से हमारे घर आए। मैं कुछ समझा नहीं फकीर चंद जी। चलिए ये बात भी मैं आपको समझा देता हूं। दुल्हन जब आए तो कम से कम 100 तोले के गहने पहन के तो आए, परंतु 22 कैरेट से कम का सोना नहीं होना चाहिए। फिर
10-12 किलो चांदी, मारुति की वैन, 27 इंच का कलर टीवी, नेशनल का वीसीआर और इसके अलावा जो है देखिए ना, हम तो गांधीवादी हैं, लड़की के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। फिर भी अगर आप अपनी बहन को कुछ देने की जिद करेंगे तो हम रोकने वाले कौन? मैं ये सोना चांदी लाऊंगा कहां से? चलिए आपकी बात नहीं था, सोने चांदी को ले रही थी, 2 लाख रुपए कैश दे दीजिए। और अगर आप इसका भी प्रबंध नहीं कर सकते तो रहने दीजिए, आपकी बहन मेरी बेटी समान, जब कहीं और उसका विवाह होने लगे तो आमंत्रित कीजिएगा, मैं आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगी भैया, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी या दूसरी जगह शादी नहीं करेगी? भैया तू रो मत, मैं सारी जिंदगी आंसुओं के साथ जिया हूं लेकिन तेरा एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी शादी होगी और उसी जगह होगी और सबकी खुशी और मर्जी के साथ होगी। रिटर्न डांसिंग स्कूल वाले एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जीतने वाले को 3 लाख रुपए इनाम मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट को, कलाकार को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो लीजिए अपने दिल की धड़कनों को संभालिए, वो खुश नसीब कलाकार है विजय कुमार। Congratulations. Yeah, all yours. Thank you, sir. Ajay. अब तो नहीं कहोगे कि तुम मेरे अजय नहीं हो? हाँ हाँ मैं अजय हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम शो में जरूर शरीक होगे। मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। अब तो जरूरत पूरी हो गई ना, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? लक्ष्मी की शादी में दहेज देना है, इसीलिए मैंने ये इनाम जीता है। और मेरे लिए? मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं सोचा? सोच कर भी कुछ नहीं कर सकता था आरती, शायद हमारा जन्म मिलकर पिछड़ने के लिए हुआ। मैं चाहता था कि बेवफाई करके, बुरा व्यवहार करके तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दो, लेकिन 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 क्यों? ऐसी कौन सी बात, कौन सा पहाड़ है जो हम दोनों के बीच आ गया है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता आरती, और तुम मुझसे कुछ पूछना भी मत, और हो सके तो मुझे भूल जाना। हम तुम्हें उजाले में लाना चाहते हैं, प्रॉब्लम? तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपेगी तो तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड पूना पुलिस जरूर निकालेगी, प्रॉब्लम? और फिर तुम कहोगे ये खुद ही सोच लो। देखो मुझे जाने दो, मैंने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। शरीफ बन के जीना चाहते हो? नो प्रॉब्लम, ये रुपए हमें दे दो। ये रुपए मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत मुश्किल से कमाए, हम इन्हें आसानी से हासिल कर लेंगे। तुमको पैसे चाहिए ना? ठीक है, यहां पड़े। जिसमें हिम्मत है उठा लो।
पूरी है जय कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो और एक हमें जो दूर से भाग कर भी तुम्हारे पास आते हैं। आप? जी हाँ, मैं तुम्हारी आस लगाए बैठे। मेरा सपना देखना छोड़ दो वरना पछताओगे। मेरा नाम सतीश है और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूँ। मेरा नाम भी आरती है, जिनके हाथ पवित्र होते हैं उन्हीं के हाथ लगती हूँ। तुम जैसे गंदे आदमियों को मैं पास भी आने नहीं देती। Now get lost! इस नादान लड़की पर अजय का भूत सवार है। घबरा मत धनराज, उस भूत को भगाने का मंत्र मुझे आता है। कौन तुम? नॉट गिलो सेट, जितने मांगे थे उससे ज्यादा है। परंतु किंतु बट लेकिन सब बंद और शादी की तारीख पक्की करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन इतना याद रखना, सूरज भैया दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। अगर उनको यह पता चला तो वो बारात वापस कर देंगे और मैं ये वापस ले जाऊंगा। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हाँ, मैं इस कंपनी के ड्राइवर रहीम खान से मिलना चाहता हूँ। ओहो सर धनराज, आप, उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। भाई कंपनी के मालिक होने के नाते ऑफिस में तो आना ही पड़ता है, लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आपको कष्ट देने के लिए मैं उस ट्रक की इंक्वायरी कर रहा हूँ जिस ट्रक के बारे में आपने आईजी साहब से बात की थी और जिस ट्रक को आपके दोस्त सतीश ने इस कंपनी के ड्राइवर रहीम खान के हाथों बदलवा दिया। बहुत कड़वा इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ, कोई सबूत? सारे के सारे सबूत खुद ब खुद सामने आ जाएंगे सर धनराज, जब एक बार इस कंपनी का ड्राइवर रहीम खान मेरे सामने आ जाएगा। हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। जानते नहीं है या छुपा रहे हैं? देखो इंस्पेक्टर, बिना सबूत के इल्जाम लगाने का हक तुम्हारी इस वर्दी को कभी नहीं दिया गया। इस वर्दी को क्या हक दिया गया है और क्या हक नहीं दिया गया है ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब ड्राइवर रहीम खान मेरे हाथ में होगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, जब तक दिखाने का वक्त ना आए तब तक इस कंपनी में बगैर इजाजत आने की हिम्मत मत करना। अगली बार इस कंपनी में परमिशन के साथ ही आऊंगा और वो परमिशन होगा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट।